हाई गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर इनटेक में आने वाले हैं उनकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेरे को पता है काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूके में इस टाइम आ चुके होंगे, कईयों को वीज़ा मिल चुका है, कईयों की फ़्लाइट्स आने वाले 1-2-3 दिन में होगी, या फिर कुछ लोग आने वाले 1-2 हफ्ते में अपना ट्रैवल प्लान कर रहे होंगे। मेरे को आप सभी के यूके में आने से पहले एक वीडियो ज़रूर बनानी थी जिसमें मैं आपको याद दिलाऊँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप सुन के समझ के यहाँ पर आओ, ताकि आने से पहले जो आपको सारे काम करने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, उनमें से आपको कोई काम छूटे ना, और जो चीज़ें आपको यहाँ आने से पहले पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ, तो ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो टॉप 7-8 चीज़ें क्या हैं, इनफैक्ट वो टॉप 8 चीज़ें क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए यूके में आने के लिए, बिकॉज इससे आपकी प्रेप अच्छे से हो पाएगी। मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो जब भी मैं एक टॉपिक का नाम लूँगा उसका लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगा, तो आप उस वीडियो को अच्छे से जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको ऊपर से चीज़ें बताऊँगा और डिटेल में आप उनको उन लिंक्स पर जाके देख सकते हो। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सेप्टेम्बर इनटेक में यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी के लिए मैं एडिनबरा वॉकिंग टूर भी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एडिनबरा सिटी घुमाऊंगा। एडिनबरा सिटी, अगर आपको पता नहीं, इट्स दी कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, और ये सिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में से एक है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022 रैंकिंग, एडिनबरा वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन द इंटायर वर्ल्ड। मैंने पिछले साल भी इसी सिटी का वॉकिंग टूर करा था और मैं अभी दोबारा करूँगा। सो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको क्लिक करना, बिकॉज मैं एक जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको टाइम बताऊँगा, डेट बताऊँगा। मोस्ट लाइकली ये जो मैं टूर करूँगा ये मिड अक्टूबर के अराउंड होगा, सो उस टाइम आपको मैं एडिनबरा बुलाऊँगा। जो भी लोग एडिनबरा में हैं या फिर ग्लासगो में हैं या फिर आना चाहते हैं यहाँ पर सिटी को देखने, आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो और मैं आपको पूरी सिटी अच्छे से घुमाऊँगा अपने साथ। सो स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि आपको यूके आने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप इंडिया से यूके आते हो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कपड़े लेकर आओ, यूटेंसिल्स लेकर आओ, मेडिसिन लेकर आओ, डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बट ये इतने सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, और जितना आपका वेट है उसमें आप क्या चीज़ें ला सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो उसके ऊपर मैंने पैकिंग लिस्ट पर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि आपको यहाँ से क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है, इंडिया से क्या लेकर आना है। सो इस वीडियो को जाके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरी चीज़, जैसे ही आप यूके में आते हो आपको पैसे खर्चने होंगे। अब आप कैसे पैसे खर्चोगे अगर आपके पास यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉरेक्स कार्ड बनवाओ। अगर अभी तक आपने फॉरेक्स कार्ड नहीं बनवाया और आपको समझ नहीं आ रहा है इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको फॉरेक्स कार्ड लेने के लिए किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका यहाँ पर लिंक है, ज़रूर देखना। इस वीडियो को 1.5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, बहुत लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट करा था जब मैंने बनाया था, तो इसको ज़रूर देखना। अब देखो, फॉरेक्स कार्ड तो बनवा लिया लेकिन आपके पास थोड़ा कैश भी होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम यूके कितना कैश लेकर आएँ, तो देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप 1000 पाउंड अपने साथ रखो, जिसमें 700 आपके फॉरेक्स कार्ड में हो और 300 आपके कैश में हो। तो जब आप यहाँ पर यूके में आ रहे हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 पाउंड्स कैश में कन्वर्ट करा के ले आना चाहिए। बट आप पैसे कन्वर्ट कैसे कराओगे, कहाँ पे कराओगे, कैसे इंश्योर कर सकते हो कि जहाँ से आप अपने पैसे कन्वर्ट करा रहे हो वो ट्रस्टेड जगह है कि नहीं, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। ये लिंक आपको क्लिक करना है और समझना है कि कैसे आप अपना जो कैश है उसको कन्वर्ट करा सकते हो पाउंड्स में और अपने साथ लेकर आ सकते हो, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब आपने सारी पैकिंग कर ली, आपने सारा सामान रख लिया, आपके पास फॉरेक्स कार्ड है, कैश है, अब आपको आना है यूके फ़्लाइट लेके। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो यूके में फ़र्स्ट टाइम आ रहे होंगे या फिर इंटरनेशनली भी मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है दूसरी कंट्री में जाना, जहाँ पर आपने क्या कहते हैं उस एनवायरनमेंट को कभी फेस ना करा। ठीक है, तो मैंने अपनी इंडिया से यूके की पूरी फ़्लाइट जर्नी, जब मैं खुद फ़र्स्ट टाइम आया था, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हीथरो एयरपोर्ट में लैंड करते हो पहले बार में, तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे लेनी है, वहाँ पे इमिग्रेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी यहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, अच्छे से देखना, लंबी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे या तो पहली बार या फिर काफ़ी टाइम बाद।
अब यूके एयरपोर्ट में जब आप आगे हो तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन भी होगा, और इमिग्रेशन में आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू हो सकता है अलग से, आपको बिठा के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो इमिग्रेशन जो बॉर्डर होता है यूके बॉर्डर कहते हैं उसे एयरपोर्ट के अंदर, वहीं पे आपसे खड़े खड़े कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उन क्वेश्चंस पे भी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई हुई है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ, सो उस वीडियो को भी आपको यहाँ पे आकर ज़रूर देखना है। अब आप जैसे यूके में एंटर करोगे ना, आपको पूरा वेदर अलग मिलेगा, आपको यहाँ के लोग अलग मिलेंगे, आपको अचानक से महसूस होगा कि सब लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है जो पहली बार होता है आपको जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, और धीरे धीरे आप यहाँ पे जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं वो शायद स्पेन से हो, इटली से हो, फ्रांस से हो, रशिया से हो, टर्की से हो, यूएसए से हो, या और किसी कंट्री से। तो जब आप लोगों से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, और अगर आपको उनकी कंट्री की लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती हो तो वो एक अच्छा एक आइस ब्रेकर होता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है। और मैं कहता हूँ कि मैंने खुद थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस सीख रखी हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन आप रशियन में कैसे कर सकते हो, टर्किश में कैसे कर सकते हो, और दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे कर सकते हो। सो उसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप है, सिंस हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यूटॉक। तो जो ये ऐप है यूटॉक, इसमें 150 प्लस लैंग्वेजेस हैं, और अगर आप एक लैंग्वेज को पूरा अच्छे से सीखना नहीं चाहते हो लेकिन उसके बेसिक्स सीखना चाहते हो, कुछ फ्रेजेस सीखना चाहते हो, सेंटेंसेस सीखना चाहते हो, वर्ड सीखना चाहते हो, तो ये ऐप काफ़ी सही है। और ये उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है जो यूके में आके जो दूसरे लोग हैं दूसरी कंट्रीज से, उनसे उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करना चाहते हो थोड़ी बहुत मजाक के तौर पर, फ़न के तौर पर, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऐप है। और इसमें आपको कुछ स्टार्टर वर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन मैंने इस ऐप को लिया था तो मुझे एक डिस्काउंट कूपन मिला था जिससे मेरे को 20% ऑफ मिला। तो मैं भी आपको एक लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको ये ऐप यूज़ करना है आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको फ्री वर्जन अच्छा लगे। और ये ऐप डाउनलोड करके मेरे लिंक से आपको 20% ऑफ मिल सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो कीप दैट इन माइंड। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यूके में आ जाओगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूके में रह के आपकी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ का वेदर, आपका स्केड्यूल, आपका टाइमिंग, यहाँ पे जिस तरह का खाना मिलता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि यूके में रह के आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसका आप कैसे ध्यान रख सकते हो और किन किन चीज़ों को आपको अपने मन में रखना है ताकि आपकी हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़े यहाँ के वेदर का, या फिर आपके स्केड्यूल का, या फिर आपके लिविंग स्टाइल का। एंड यूके में रह के खाली आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपको बहुत बार लगेगा कि आपको होम सिकनेस फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रही है, आइसोलेशन फील हो रही है। तो उन सब चीज़ों को भी आपको कैसे टैकल करना है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर वीडियो है, पूरा वीडियो को देखना और समझना आपको ये चीज़ें कैसे टैकल करनी है। एंड जो लास्ट मेरी 8th टिप है आपको जो आपको समझना है वो ये है कि आपके जो आने वाले इनिशियल मंथ्स होंगे ना उसमें आपको बॉम्बार्ड कर दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी भी है, वो अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम फ़ायदा, अपनी इस एक्सपीरियंस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी करियर डेवलपमेंट के लिए और अपनी एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए मैंने एक बहुत ही लेंथी वीडियो बनाई है, 40-50 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे इनिशियल मंथ्स जो थे यूके में आने के बाद, जिसमें मैंने अपना यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बताया, बिजनेस स्कूल एक्सपीरियंस बताया, लाइफ इन यूके के बारे में बताया, सब कुछ बता रखा है बहुत डिटेल में। उसको आपको समझना है ताकि आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर पाओ कि ओके कोई इंसान यूके में आता है एज अ स्टूडेंट तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये आप चीज़ें पहले से ही समझ के यहाँ पर आओगे तो आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगे और आप ज़्यादा रेडी होगे चीज़ों को सीज करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और यही टॉप 8 टिप्स थी मेरी तरफ से कि आपको इन सब चीज़ों को समझ के यहाँ पर तैयार होके आना है ताकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे को यूके में रहते हुए 2 साल हो गए हैं, 1 साल एज अ स्टूडेंट एंड 1 साल एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑन अ ग्रेजुएट वीज़ा। सो आई कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस एंड माई लर्निंग्स एंड होपफुली दीज वीडियोज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो do subscribe and comment if you have got any feedback for my videos and future ideas or topics that you want to share with me jis pe main video bana sakun। That's all from my side, take care, bye।